देखिए ओल्ड इज गोल्ड में आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर एक बहुत छोटी वनस्पति, देखिए अपने आप में कोई चीज़ छोटी नहीं होती है और अपने आप में कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती है। अपने अपने गुण के हिसाब से सभी जो वनस्पतियाँ हैं दिव्य हैं और बहुत अच्छी हैं। आज मैं जिस वनस्पति का आपको सुनाऊंगा उसका नाम है लज्जालु। उसको लाजवंती भी कहते हैं, लज्जालु भी कहते हैं और छुई मुई भी कहते हैं। ये वनस्पति ये आज की नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों साल की है। इसका इतिहास गवाह है, इसकी रामायण गवाह है, सबसे बड़ी गवाह है रामायण। और रामायण और राम को हुए न मालूम कितने करोड़ों साल हुए हैं। जब हम राम को सत्य मानते हैं तो लज्जालु को भी सत्य मानेंगे। लक्ष्मण और परशुराम संवाद के अंदर एक श्लोक के अंदर इसका जिक्र है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि मैं कोई छुई मुई का पेड़ नहीं हूं कि अंगुली दिखाते मुरझा जाऊं अथवा तुमसे हार मान लूं। तो ये छुई मुई उस इस लज्जालु को ही कहते हैं, इस लाजवंती को ही कहते हैं। ये एक छोटी वनस्पति है फिर भी उसके अंदर एक बहुत दिव्य गुण है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। हाँ, तो इसका देखिए, ये घरों में गमलों में अपने बहू बेटियाँ लगाती है और लगाना चाहिए। बहुत प्यारा पौधा है, छोटा सा है। हाँ, तो इसको लज्जालु कहते हैं। और इसके अलावा इसको हिंदी के अंदर लज्जालु, लाजवंती ये इसके नाम है। गुजराती के अंदर इसको लज्जालु कहते हैं और मराठी के अंदर भी लज्जालु और लाजरी कहते हैं। बंगाल में इसको ललावेत कहते हैं और नेपाल में इसको लजानिया कहते हैं। पंजाबी में लाजवंती कहते हैं और तमिल में संग गाई कहते हैं। तेलुगु में मुनगु राम मधु कहते हैं और उर्दू में लज्जालु कहते हैं। और लेटिन के अंदर मेमोसा पुट्टी का इसको कहते हैं। ये इसके अलग अलग देश के अलग अलग स्टेट के अलग अलग भाषाओं में इसके नाम हैं। ये छोटा इसका सूप होता है, सूप का मतलब छोटा पौधा होता है। इसके पत्ते खेर के समान बारीक होते हैं। इसके फूल गुलाबी नीले मिश्रित रंग के होते हैं। इसकी जड़ लाल होती है। इस पौधे को स्पर्श करने से यह सिकुड़ जाता है, इसलिए इसका नाम लाजवंती है। ये एक तर्जनी की अंगुली की बात नहीं, कोई सी भी अंगुली करते ही ये सिकुड़ जाता है, इतना ये शर्मिला पौधा है। हाँ, ये इसकी खास पहचान है इस पौधे की। ये दो प्रकार का होता है, एक तो कांटे वाली होती है, एक बिना कांटे वाली होती है। हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से लज्जालु की जड़ कड़वी कसेली और शीतल घाव को अच्छा करने वाली, विष का नाश करने वाली, कफ पित्त कुष्ठ अतिसार और योनि के रोगों को दूर करने वाली है। ये वनस्पति भी बड़ी दिव्य है, अच्छी है। हाँ, लज्जालु चरपड़ी होती है, शीतल होती है, पित्त का नाश करती है, सूजन को दूर करती है, जलन को ठीक करती है। और इसके अलावा ये श्वास के रोग में काम करती है, घाव को सुखाती है, कोड को ठीक करती है, कफ और रक्त के विकार को दूर करने वाली होती है। इतने इसके अंदर गुण हैं। इसके बाद लज्जवंती पित्त का नाश करने वाली होती है और चरपरी होती है, इसका खाने में पारे को बांधने वाली होती है और अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाने वाली ये वनस्पति होती है। यूनानी मत क्या कहता है, यूनानी मत से इसकी जड़ धातु परिवर्तक, धातु को बढ़ाने वाली, फोड़े को पकाने वाली और रक्त दोष पित्त दोष
की बीमारियों में लाभदायक है। पित्त ज्वर बवासीर पीलिया कुष्ठ वर्ण वर्ण का मतलब फोड़ा फुंसी और चेचक में भी यह उपयोगी होती है। ये वनस्पति बहुत काम में आती है। लजालू के अंदर रक्त संचारक धर्म बहुत उत्तम होता है। इससे छोटी रक्त वाहिनियों का संकोचन होता है। रक्त और पित्त प्रधान रोगी में इसका बहुत उपयोग होता है। रक्ता अतिसार, जिस दस्त के साथ में खून आता हो उसके अंदर इसकी जड़ों का काढ़ा देने से लाभ होता है। ये एक बहुत अच्छी दिव्य है, इसको मैं दोबारा बोलता हूँ, रक्ता अतिसार। रक्ता अतिसार उसको कहते हैं जिस अतिसार यानी कि जिन दस्तों के साथ में रक्त आता हो किन्हीं कारणों से, तो उसके अंदर इसकी जड़ का काढ़ा देने से आराम मिल जाता है। और इसके अलावा पेशाब के साथ चिकना पदार्थ अगर कोई आता है तो इसके जड़ का काढ़ा देने से लाभ होता है। बवासीर में इसके पत्तों को दूध के साथ देते हैं, बवासीर के अंदर भी ये काम करता है। इसके अलावा पेशाब की रुकावट में और पथरी को गाल करके ये निकाल देती है। बगंदर में इसके पत्ते और जड़ का चून दूध के साथ दिए जाते हैं। कोंकण के अंदर इसके पत्तों को कुचलकर अंडकोश की सूजन पर लेप करने के काम में लेते हैं कोंकण के अंदर। हाँ, और इसके पत्तों का रस समान भाग घोड़े के पेशाब में मिलाकर आँख के अंदर आने वाली झिल्ली को दूर करने के लिए अंजन किया जाता है। देखिए इसको दोबारा सुन लीजिएगा आप। हाँ मैं बोल रहा था, हाँ, इसके पत्तों का रस और उसके समान भाग घोड़े का पेशाब, यानी कि मान लो 50 ग्राम 10 ग्राम पत्तों का रस है तो 10 ग्राम ही घोड़े का पेशाब, इनको मिला करके और आँख के अंदर आने वाली आँख में जो झिल्ली आ जाती है उसको दूर करने के लिए काजल की तरह लगाया जाता है। इसके पत्तों के रस में कई रुई को भिगोकर इसको हर प्रकार के नासूर के अंदर ड्रेसिंग करने के काम में भी लिया जाता है। देखिए आजकल नासूर के ऑपरेशन होते हैं और ऑपरेशन ही कराना चाहिए। नासूर का मतलब फिस्चुला से हैं। और अब पुराने ज़माने के अंदर इसको इस काम में लेते थे कि इसकी पत्तों को रस के अंदर रुई को बना करके और उसके अंदर नासूर के खड्डे के अंदर ये ड्रेसिंग में काम में आता था। इसके अलावा मेडगास्टर ने इसका पौधा मूत्रल संकोचक आक्षेप निवारक माना है। जो मेडगास्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने इसके पत्तों को पेशाब लाने वाला और संकोच करने वाला माना है। बच्चों के आक्षेप, बच्चों को जो बांटे आते हैं उसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। गायना में इसके पत्ते प्रभावशाली पसीना लाने वाली वस्तु की तरह उपयोग में लिए जाते हैं। गायना देश में इसका हल्का निर्यास कटु पौष्टिक पदार्थ की तरह दिया जाता है। इसके बीज, इसकी जड़ एक वमनकारक पदार्थ की तरह उपयोग में लिए जाते हैं। बड़ी मात्रा में ये विषैले और जलन करने वाले होते हैं। देखिए इनके पत्तों का रस बड़ी मात्रा में नहीं लेना चाहिए, कोई गिलास आधा गिलास नहीं लेना चाहिए, थोड़ी जलन होती है। हाँ, इसके आगे कंबोडिया में इसका सारा पौधा अंतरंग उपचार में पथरी को दूर करने के लिए दिया जाता है। ये मुख्यतः जो पथरी होती है उसको ये गाल के लजालू लाजवंती निकाल देती है। पथरी की ये मुख्य दवा है। और पथरी के अलावा इसका बाहरी प्रयोग गठिया के अंदर पुट्ठों की गठिया सूजन और गर्भाशय के फोड़े को दूर करने के लिए भी किया जाता है कंबोडिया के अंदर। इसके अलावा रस रत्नाकर के अनुसार इसके पत्ते और डालियां सर्प विष की चिकित्सा में भी काम में लेते हैं। देखिए अब आजकल किसी को सर्प काटता है तो तत्काल हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ, अब इसका जो उपयोग है पथरी के अंदर में जो है इसका उपयोग, पथरी की शिकायत आजकल बहुत होने लग गई है। लजालू की जड़ का क्वाथ बनाकर पिलाने से पथरी गल करके निकल जाती है। बवासीर,
इसके पत्तों का तोला भर चूर्ण दूध में मिलाकर पिलाने से बवासीर में आराम मिलता है, और फिस्चुला या नासूर इसकी जड़ को घिसकर लेप करने से ये नासूर मिटता है। पीलिया कामला यानी कि पीलिया, इस वनस्पति का प्रयोग करने से पहले सप्ताह में सब तरह के बुखार और पित्त के विकार ठीक होते हैं, दूसरे सप्ताह में बवासीर ठीक होता है, पीलिया ठीक होता है, और तीसरे सप्ताह में कोड, उपदंश और कीले इत्यादि रोग मिटते हैं। मूत्रा अतिसार, इसके पत्तों का लेप करने से मूत्रा अतिसार मिटता है। खांसी, इसकी जड़ को गले में बांधने से खांसी मिटती है। अब देखिए, छुई मुई का पौधा घर में लगा लीजिए और किसी को खांसी होती है तो इसकी जड़ को लेकर के और मौली में बांध करके गले में बांध दो तो खांसी ठीक हो जाती है। गले में जो गांठें होती है तो इसके रस को लगाने से गांठें बैठ जाती है। और एक मुख्य दिव्य बहन बेटियों के लिए, अस्तन जिनके ढीले हो जाते हैं, अस्तन जिनके लटक जाते हैं, ये खास करके इनकी दवा पेटेंट है। अस्तनों का ढीलापन बिल्कुल इससे ठीक होगा। ये लजालू और अश्वगंध, देखिए ये लजालू और अश्वगंध इन दोनों की जड़ों को पीस करके और अस्तन पर लेप करने से अस्तनों का ढीलापन मिटकर ये गोल और कठोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है और ये नुस्खा हमने कईयों के ऊपर आजमाया है और इसको इजीली घर पे अपनी बहन बेटियां तैयार कर सकती है। मैं इसको एक बार पुनः बोल देता हूँ। लजालू, लजालू का मतलब लाजवंती हो गया, ये छुईमुई हो गया, एक की बात है। लजालू और अश्वगंध की जड़, अश्वगंधा की जड़ ले लो और लजालू की जड़ ले लो, इनको पीस करके और अस्तनों के ऊपर लेप कर लो, वो पानी के अंदर पीस करके और अस्तनों के ऊपर लेप कर लो, इससे अस्तनों का ढीलापन मिट करके ये लिखते हैं कि गोल और कठोर होते हैं, गोल भी हो जाते हैं, गोलाई लिए हुए अस्तन सुंदर होते हैं और कठोर यानी कि बहुत टाइट हो जाते हैं। ये जो मैं आपको लजालू के जो प्रयोग बताता हूँ ये वनौषधि चंद्रोदय में से बता रहा हूँ, ये पुस्तक बड़ी मान्यता प्राप्त है और इसका आजकल कई जगह बड़ा संस्करण भी मिलता है। आप नेट में सर्च करके और इसका ये मंगा लें और इसको पढ़ सकते हैं। वनौषधि चंद्रोदय मान्यता प्राप्त ग्रंथ है, इसके अंदर लिखी हुई बातें आजमाई हुई होती है और पैमाने पे बिल्कुल सत्य बैठती है। तो मैंने लाजवंती का आज एक छोटी वनस्पति का आपको प्रयोग बताया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाजवंती का पौधा अपने घर पे लगाइए, दो तीन गमले ले आइए और तीन चार पांच पौधे लगा लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। और जब कोई छोटी मोटी तकलीफ आती है, बवासीर या खांसी या गले में कोई गांठें अथवा अस्तनों का ढीलापन, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो कहीं इधर उधर जाने के नहीं, अश्वगंध की जड़ें मिल जाती है और लाजवंती आपके घर पे है और उसको पीसा और लेप किया, अरे फ्री का नुस्खा ऐसे कौन बताएगा आपको। जय सियाराम।